गुड मॉर्निंग एवरीवन. लास्ट टाइम हमने आईपी एड्रेस और TCP/IP पढ़े थे, उससे पहले प्रोटोकॉल पढ़े थे और टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल पढ़े थे. तो होप सो आप सबको यानी प्रोटोकॉल्स और टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स जो हमने अभी तक TCP/IP ही पढ़े थे, तो होप आप सबको यानी वो सारा चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी. ये जो वीडियो मैंने स्पेशली बनाया क्योंकि एक स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन किया था कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, उसको यानी उस लेक्चर में थोड़ा उसको डॉट है, तो उसके लिए मैंने स्पेशली बनाया था. तो उसका क्वेश्चन ये था, तो उसका क्वेश्चन ये था कि आप लोगों ने देखा होगा, उसने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि पेन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क और आईपी एड्रेस को मैं बाद में पढ़ूंगी, सबसे पहले मैं पर्सनल एरिया नेटवर्क को पढ़ूंगी. तो होप आप सबको यानी टाइप ऑफ नेटवर्क अच्छे से समझ में आ गई होगी. यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क भी क्या है, टाइप ऑफ नेटवर्क है. देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. एक था लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा यानी मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क जिसको हम मेन कहते हैं, और वैन था वाइट एरिया नेटवर्क, और लास्ट वन इज पेन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क. तो वो सारा यानी जो नेटवर्क्स अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गई होगी. अभी तक किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा, तो एक ने मुझे पूछा था कि पेन के बारे में, तो चलो हम उसको रिपीट करने के लिए कहा था, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो स्पेशली बनाया डॉट क्लास एज अ डॉट सेशंस. तो चलो हम पढ़ेंगे पेन. पर्सनल एरिया नेटवर्क. पर्सनल एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क अरेंजिंग विद इन एन इंडिविजुअल पर्सन, टिपिकली विद इन द रेंज ऑफ 10 meters. पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या है, एक एज अ नेटवर्क है जिसको हम अरेंज करते हैं किस लिए, यानी एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए, जो कि उसका रेंज होता है 10 meters. पेन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क इज यूज इट फॉर कनेक्टिंग द कंप्यूटर डिवाइसेस. कंप्यूटर डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हम यानी पेन का यूज करते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क का, ऑफ अ पर्सनल यूज के लिए नून एज पर्सनल एरिया नेटवर्क. इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं पेन को. थॉमस ज़िमर जोन्स, यानी ये क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम है थॉमस ज़िमर, ZIMMERMAN ज़िमरमैन, वॉज द फर्स्ट रिसर्च साइंटिस्ट टू ब्रिंग द आइडिया ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क. जो थॉमस ज़िमरमैन जो कि क्या है, एक फर्स्ट यानी रिसर्च साइंटिस्ट है, जो कि उसने आइडिया दिया था पर्सनल एरिया नेटवर्क का. पेन कवर एन एरिया ऑफ 30 feet. पर्सनल एरिया नेटवर्क है जो कि कवर करते हैं 30 feet का, यानी मीटर में वो 10 meters यानी का, यानी क्या करते हैं वो डिस्टेंस उसका रेंज होता है, और वो कवर करते हैं 30 feet. पर्सनल कंप्यूटर डिवाइस दैट आर यूज्ड टू डेवलप द पर्सनल एरिया नेटवर्क आर लैपटॉप, मोबाइल फोन, etc. पर्सनल कंप्यूटर डिवाइस मींस पर्सनल मींस जो कि एक इंडिविजुअल पर्सन यूज करते हैं. जैसे कि मान के चलो मैं अभी मेरा बात करेंगे तो मेरा PC होगा, मेरा फोन होगा, मेरा लैपटॉप होगा, और मेरे पास अगर डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप होगा, और मेरे पास अगर ब्लूटूथ का एक यानी वायर्ड या वायरलेस कोई भी चीज, जैसे कि ब्लूटूथ डिवाइस या प्रिंटर हो या हेडफोन वगैरह हो, वो सारा चीजें उन वो सारा क्या है, पर्सनल कंप्यूटिंग डिवाइसेस है जो कि डेवलप करते हैं, यूज करते हैं हम यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क को यूज करने के लिए. वो जो सारे डिवाइसेस को, उसी को यानी हम यानी क्या कहते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेन, यानी पेन का कितना टाइप है, दो टाइप है पर्सनल एरिया नेटवर्क का. एक है वायर्ड पेन, दूसरा है वायरलेस पेन. वायर्ड मीन्स यानी जिसको हम किसी केबल के थ्रू यानी हम क्या करते हैं, कनेक्शन देते हैं. वायरलेस मीन्स जिसमें कोई भी वायर नहीं होता है, वायरलेस होते हैं, जिसमें आईपी एड्रेस या हम यानी ब्लूटूथ वगैरह के जरिए हम यानी कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वायरलेस कहते हैं. तो चलो हम पढ़ेंगे सबसे पहले वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क के बारे में. Wireless PAN is developed by simply using wireless technologies such as Wi-Fi, Bluetooth. It is low range network. जो wireless है, wireless यानी जो personal area network है, वो यानी develop करते हम यानी use यानी wireless technologies को use करके. Wireless means जैसे कि फॉर एग्जांपल वाईफाई और ब्लूटूथ वगैरह को हम यूज करके यानी वायरलेस यानी पेन हम डेवलप करते हैं. इट इज लो रेंज नेटवर्क, यानी ये क्या है,
लो रेंज नेटवर्क है। नेक्स्ट है वायर्ड पेन, यानी वायर्ड पेन जो हम किसी केबल के थ्रू या हम यूएसबी के थ्रू यानी हम क्या करते हैं नेटवर्क को क्रिएट करते हैं। वायर्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क इज क्रिएटेड बाय यूजिंग यूएसबी। यूएसबी को यूज करके हम वायर्ड पर्सनल एरिया को क्या करते हैं क्रिएट करते हैं। तो ये थी इसका टाइप। होप सो आप सबको यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ ताकि आप लोगों की डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलो हम देखते हैं कि पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या है। एक एज ए नेटवर्क है जिसका जो कि पर्सनल नेटवर्क पर्सनल यानी इंडिविजुअल पर्सन के लिए हम यूज करते हैं उसको। उसका रेंज होता है 10 मीटर्स। जो कि पर्सनल एरिया नेटवर्क जो कि यूज करते हैं हम कंप्यूटर डिवाइसेस को यानी पर्सनल कंप्यूटर डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, इसलिए हम उसको पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। जो थर्ड पॉइंट में हमें कहते हैं कि जो थॉमस जमरमैन जो कि एक यानी रिसर्च साइंटिस्ट था, फर्स्ट सबसे पहले उसका जो पर्सनल एरिया नेटवर्क का आइडिया यानी किसने दिया था, थॉमस ने दिया था। पेन जो कि कवर करते हैं 30 फीट उसका यानी क्या करते हैं उसका नेटवर्क का रेंज होता है और 10 मीटर में फीट में उसका 30 और मीटर में उसका 10 मीटर होता है। जो पेन है जो जो कि कंप्यूटर जो डिवाइसेस को यानी नेटवर्क क्रिएट करने के लिए डेवलप करने के लिए हम यूज करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइसेस कौन कौन सा था, हमारे पास लैपटॉप था, मोबाइल फोन था, इसमें ब्लूटूथ आ जाएंगे और उसमें प्रिंटर्स भी आ जाएंगे। ये सारा क्या है पर्सनल एरिया नेटवर्क जो कि क्रिएट करते हैं ये सारे डिवाइसेस। तो उसका टाइप है देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेन यानी पेन का यानी दो टाइप है, एक वायर्ड है दूसरा वायरलेस। उसके नाम से पता चल जाते हैं वायर्ड मींस जो कि हम किसी केबल के थ्रू यानी नेटवर्क क्रिएट करते हैं, वायरलेस मींस जैसे कि वाईफाई ब्लूटूथ वगैरह के थ्रू यानी हम क्या करते हैं नेटवर्क डेवलप करते हैं। तो जो वायरलेस पेन है जो कि डेवलप करते हैं हम सिंपली यानी वायरलेस टेक्नोलॉजीज को यूज करके, जैसे कि सच एस वाईफाई को, ब्लूटूथ को। अगर आप लोगों को कोई एग्जांपल कोई आपसे पूछेगा कि एक वायरलेस टेक्नोलॉजी की आप यानी एग्जांपल दीजिए, तो आप लोग दे सकते हैं कि वाईफाई और ब्लूटूथ क्या है, वायरलेस टेक्नोलॉजी है। वायर्ड जो कि हम यानी किसी भी यूएसबी केबल वगैरह को हम यूज करके क्रिएट करते हैं, वायर्ड पेन। तो ये थी इसका टाइप। होप सो आप सबको यानी पेन यानी अच्छे से समझ में आ गई होगी और जिन जिन को डाउट होगी उनको भी क्लियर होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट वीडियो। सी यू वेरी सून।